फाइनेंशियल मार्केट्स में हजारों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जब किसी इन्वेस्टर को पैसे लगाने होते हैं तो उसे समझ नहीं आता कि कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट उसके लिए सही है। आपको भी ऐसी तकलीफ होती है क्या? समझ नहीं आता कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है? ऐसे में किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर के लिए जरूरी है कि सही प्रोडक्ट ढूंढने से पहले ही शुड नो विच एसेट क्लास टू इन्वेस्ट इन। ये एसेट क्लास आपके एज प्रोफाइल वगैरह पर डिपेंड करती है कि आप कौन सा एसेट क्लास चूज करेंगे। सो टुडे वी विल सी द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट क्लासेस एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं ज़ेड फंड्स। बिफोर वी गो इनटू ईच एसेट क्लास सेपरेटली, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट एन एसेट क्लास इज। कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स का ग्रुप जो एक सिमिलर बिहेवियर दिखाता है या किसी भी न्यूज पर सिमिलर रिएक्शन देता है, उन्हें एक एसेट क्लास माना जाता है। इंस्ट्रूमेंट्स इन द सेम एसेट क्लास एग्जिबिट सिमिलर बिहेवियर्स, दे हैव सिमिलर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, रिस्क्स, लिक्विडिटी एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स और पीपीएफ की बात करें, है तो ये दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बट दे शो क्वाइट सिमिलर एग्जिबिट्स, उनकी बिहेवियर काफी सिमिलर है। आइए बताते किस तरह। एक तो दोनों को सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, दूसरा दोनों में से मिलने वाले रिटर्न्स पहले से ही पता होते हैं और दोनों में किसी भी तरह की वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव नहीं रहता, दे आर स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स, इसलिए दोनों को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। सो फिक्स्ड इनकम इज अ काइंड ऑफ एसेट क्लास। ऑन द अदर हैंड, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन इक्विटीज और इन इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स। हैं तो दोनों फिर से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बट दे बोथ फॉल अंडर सिमिलर कैटेगरीज। व्हाई? बिकॉज दे एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन, किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स? दोनों का रिटर्न पता नहीं है पहले से, दे डोंट हैव अ फिक्स्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न, दे आर हाईली वोलेटाइल, दोनों में उतार चढ़ाव काफी होता है। सो दीस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉल अंडर द इक्विटी एसेट क्लास। अब जब हमने समझ लिया है कि एसेट क्लास क्या होता है, आइए लेट्स टेक अ लुक एट द फाइव मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लासेस। नंबर वन, फिक्स्ड इनकम। हिंदुस्तान में फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एसेट क्लासेस। One of the reasons for this, and of course the benefit of the fixed income, is that they are considered as very safe investments. जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसी टाइम आपको पता चल जाता है कि इसमें से कितना रिटर्न मिलने वाला है। जैसे अगर आप FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें आपको बताया बैंक ने कि आपको 7% मिलेगा, तो अगर आप 1,00,000 रुपए आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक साल बाद 1,07,000 ही मिलने, ये आपको पहले से ही पता है। फिक्स्ड इनकम का एक और एडवांटेज है कि इस एसेट क्लास को फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर समझना काफी आसान है। जैसे हमने अभी आपको बताया, आप बैंक में जाके पैसा देते हैं, एक साल बाद इंटरेस्ट के साथ वो आपको वापस मिल जाता है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स को एक लोन की तरह भी देखा जा सकता है, जहां आप उधार दे रहे हैं बैंक को और उसके बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ये तो हुए फिक्स्ड इनकम के एडवांटेजेस, लेकिन फिक्स्ड इनकम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फिक्स्ड इनकम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों से मार खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप FD में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे आपको 7% मिलने वाला है, मान लीजिए कि वो 7% के आसपास भी नहीं है। वो कैसे? जब आप 7% पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर पहले तो आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, यानी आपकी रिटर्न 5% से नीचे रहेगी। उस पर ले लीजिए इन्फ्लेशन यानी महंगाई। इन्फ्लेशन का रेट आज के डेट में 5.5-6% है, तो आप 5% कमा रहे हैं लेकिन जो चीज आपने खरीदनी है वो पिछले साल के हिसाब से 6% महंगी होगी, तो कहां से बनाइए रियल रिटर्न? आइए दूसरे एसेट क्लास की बात करते हैं। द सेकंड एसेट क्लास इज इक्विटी। इक्विटी खरीदने का मतलब है कि आपने किसी बिजनेस में एक शेयर खरीद लिया, यानी एक हिस्सा ले लिया। जैसे अगर आप HDFC बैंक के शेयर खरीदते हैं तो टेक्निकली यू आर पार्ट ओनर ऑफ HDFC बैंक। सो इन दिस केस, जैसे जैसे बैंक तरक्की करेगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर आपने किसी ऐसे कंपनी के शेयर्स ले लिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिरती चली जाएगी। इन द लॉन्ग रन, इक्विटीज हैव बीन नोन टू गिव द हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न। इक्विटीज का एक और एडवांटेज ये है कि दे आर टैक्स एंड इन्फ्लेशन फ्रेंडली। इंडिया में अगर आप इक्विटीज खरीदते हैं और उसकी होल्डिंग एक साल से ज्यादा तक रखते हैं तो उस पर आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ता है, और ये 10% टैक्स भी तभी लगता है अगर आपका टोटल इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटीज is more than 1,00,000 in one financial year. यानी अगर आपने अपने शेयर्स बेचे किसी साल में और उस पे इनकम 1,00,000 से नीचे है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इक्विटीज का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। किसी भी बिजनेस की तरह
इसमें भी उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं, यानी इट इज हाईली वोलेटाइल। सो इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू मॉनिटर हिज इन्वेस्टमेंट्स ऑन अ डेली बेसिस, शायद ये स्ट्रेस आपके लिए सही ना रहे। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू कैन होल्ड योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक आई सेड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लासेस एज फार एज रिटर्न्स आर कंसर्न्ड। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एसेट क्लास, रियल एस्टेट। किसी भी लैंड, बिल्डिंग या प्लॉट को रियल एस्टेट माना जाता है। थ्रू द 1990s एंड 2000s, रियल एस्टेट वॉज द प्रेफर्ड एसेट क्लास फॉर द इंडियन फैमिलीज। Prices of real estate in some of the major cities soared by more than 20% every year. However, ये कोई reason नहीं होना चाहिए for you to go and invest in real estate today. इसमें कोई doubt नहीं है कि real estate investment के साथ एक security सी आती है और handsome returns भी दे सकते हैं. But real estate does not come without its fair share of disadvantages. आइए देखते हैं क्या disadvantages हैं. सबसे पहले तो real estate में investment के लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है। आप 500, 1000, 2000 रुपए लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। यहाँ पर बात लाखों और आजकल तो करोड़ों की ही होती है। एक और नेगेटिव ये है कि रियल एस्टेट में रेगुलेशंस अभी भी सुपर टाइट नहीं है। एज अ लेमैन इन्वेस्टर, मेनी अ टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज नॉट। द ट्रांसपेरेंसी लेवल्स आर रियली वेरी लो। द फोर्थ एसेट क्लास इज कमोडिटीज, फिजिकल गुड्स, यानी वो आइटम्स जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उन्हें कमोडिटीज माना जाता है। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब कमोडिटीज हैं। इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इनके डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। हर एक कमोडिटी की अपनी ही एक मार्केट डायनामिक्स और इकोनॉमिक्स होती है। जैसे गोल्ड का अलग है तो कॉपर का अलग है, और इस इकोनॉमिक्स या डायनामिक्स को बिना समझे इन्वेस्ट करना काफी अनसेफ या रिस्की माना जा सकता है। कमोडिटीज में एक और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कुछ कमोडिटीज को तो होल्ड करना या स्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आप शायद समझते होंगे कि ऑयल का प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, लेकिन ये अगर 5 साल बाद बढ़ने भी वाला है, आज आप कहां लेके रखेंगे ऑयल को? Therefore, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन कमोडिटीज इज नॉट रियली एन ऑप्शन। दैट ब्रिंग मी टू द फिफ्थ एंड द लास्ट एसेट क्लास, कैश। जब मैं कैश की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ उन पैसों की या नोटों की बात नहीं कर रहा जो पलंग के नीचे पड़े होते हैं या अलमारी में बंद पड़े रहते हैं। Here by cash we also mean the money that is lying in your bank account, savings account वगैरह में जो पड़े रहते हैं, इन सबको cash माना जाता है, यानी liquid। Cash का एक बहुत ही बड़ा advantage है, कभी God forbidding बहुत emergency में जरूरत पड़ जाए तो आपको पता है कि ये cash immediately available है। आपको जाके कहीं gold बेचने की जरूरत नहीं, या अपनी property बेचने की जरूरत नहीं, या जाके equity sell करने की जरूरत नहीं है। आप bank से ATM card या check के through पैसे निकाल सकते। लेकिन cash का एक बहुत ही बड़ा disadvantage है, वो है इसके रिटर्न में। आपके बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे आपको ज्यादा से ज्यादा कितने दे देते होंगे, 3% या 4%? जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, टैक्स और इन्फ्लेशन काट के ये आपका नेगेटिव रिटर्न ही बनता है, यानी आप हाथ से पैसा देते हैं लेने के बजाय। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कैश रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में ये ही सबसे पहले काम आते हैं। बट वी वुड एडवाइस कि जो भी आपका मंथली एक्सपेंस है उसका 3 या 4 गुना या मैक्सिमम 6 गुना तक आप बैंक में रेडी कैश रखें। उससे ज्यादा रख के यू आर ओनली लूजिंग मनी। ये तो थे 5 सबसे पॉपुलर एसेट क्लासेस। इनमें से आपके लिए कौन सा सही है ये वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है। दिस डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, योर एज कैरेक्टरिस्टिक्स, योर रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, आपके क्या गोल्स हैं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। इसके लिए द बेस्ट पॉसिबिलिटी इज फॉर यू टू सिट डाउन विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर and discuss your risk return profile and then decide कि कौन से asset classes आपके लिए सही हैं और कितना percent आपकी portfolio का किस asset class में होना चाहिए। We hope ये video देख के आपको asset classes के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। If you have any other doubts regarding asset classes or your portfolios, please do write to us in the comments below or on our website zfunds.in. Thank you for watching Zfunds.